गाइज मैं हूँ राघव और आप देख रहे हैं अपना बर्बन मैन यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आ गया हूँ फिर से आपकी हैवी डिमांड पे PUCD DVD के। हेलो भैया, तो हम लोग का विश्वास फिर से कायम रहा और हम लोग फिर से एक और वीडियो लेके आए PUCD DVD के। एंड काफ़ी टाइम बाद वीडियो आ रही है, 9-10 महीने हो गए ना अभी ये वीडियो डाले। हाँ, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया वीडियो आने, और रीज़न यही है कि स्टॉक काफ़ी लिमिटेड आ रहा था और बहुत महंगा आ रहा था। अभी भी प्राइसेस थोड़े हाई हैं, फिर काफ़ी सारे लोग कहेंगे हाई है। उस समय हम लोग ने 4-5 हज़ार में दिखाए थे, पर आज की वीडियो में 10,000 रुपीज़ से स्टार्टिंग है लैपटॉप्स की। सो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले भैया कौन सा मॉडल है और इसकी क्या स्पेसिफिकेशन ज़रा बता दिए मैं व्यूअर्स को। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये लैपटॉप है, स्टॉक अभी लिमिटेड ही स्टॉक आ रहा है जो कि बताया गया है। पहले स्टॉक 5000 की रेंज से स्टार्ट किया गया था लैपटॉप हमारी शॉप पे। बिल्कुल, आज ये 10,000 की रेंज से स्टार्ट हो रहा है प्राइस रेंज से। ओके, तो ये डेल की लैटिट्यूड E5400 मशीन है, ये आपकी 10,000 की आने वाली है। 2 GB RAM 320 GB हार्ड डिस्क के साथ, 2 GB RAM 320 GB हार्ड डिस्क के साथ डुअल कोर मशीन होगी, आप देख सकते हैं कोर टू ड्यूल मशीन है। ओके, कोर टू ड्यूल 180 खुलता है, आप देख सकते हैं कंडीशन देख सकते हैं लैपटॉप की, मतलब 180 डिग्री लैपटॉप पूरा खुल जाता है। आप देख कंडीशन पे लैपटॉप है और रैपिंग सब मिल जाती है, कंडीशन काफी बढ़िया और ये काफी दिन चलते हैं लैपटॉप। ये मतलब कि कमर्शियल मॉडल है, इनकी लाइफ ज्यादा रहती है। ओके, मतलब रगेड सीरीज की तरह मजबूती इनकी रहती है। बाकी लैपटॉप की 10,000 रुपए का मिल जाएगा। हाँ, ये 10,000 की रेंज। ओके, फिर अब अगले लैपटॉप की तरफ चलते हैं। बाकी HP का लैपटॉप आने वाला है, HP कॉम्पैक्ट मॉडल है। ओके, ये भी आपका 180 खुलता है, 180 डिग्री ये भी खुल जाएगा पूरा। और डिस्प्ले इसकी कितनी बड़ी होगी? ये 14.0 इंच की आपको इसमें डिस्प्ले मिल जाएगी। बाकी HP का लैपटॉप है और ये भी सेम वही प्रोसेसर पे आएगा, सेम कॉन्फ़िगरेशन, सेम रेट पे, ये भी 10,000 की रेंज का आने वाला है। 10,000 में आपको ये भी मिल जाएगा, कंडीशन देख सकते हैं, बस इसमें पन्नी नहीं चढ़ी है, इसमें पन्नी चढ़ी है, बाकी ये भी बढ़िया कंडीशन का आपको लैपटॉप मिल जाएगा 10,000 रुपये में। इसमें फिंगर स्कैनर भी शायद है भैया, फिंगर स्कैनर है इसमें। ओके, मतलब उस टाइम के हिसाब से इसमें फिंगर स्कैनर है, तो काफ़ी बढ़िया लैपटॉप ये ले सकते हैं। बाकी नेक्स्ट लैपटॉप की बात करते हैं, मशीन ये आएगी हिटैची के लैपटॉप है। ओके, ये हिटैची का मेड इन टोक्यो है, इसमें आप देख सकते हैं कीबोर्ड पे जापानीज लैंग्वेज भी लिखी हुई है, जापानीज लैंग्वेज भी इसमें साथ में होगी और मेड इन टोक्यो लैपटॉप भी है। हाँ, ओके, इसकी रैम एंड स्पेक्स क्या है? ये 2 GB RAM 120 GB SSD हार्ड डिस्क के साथ मिलने वाला है। ओके, SSD के साथ मिलेगा तो आपको परफॉर्मेंस बहुत अच्छी मिलेगी, मतलब वो बाकी सब के साथ नॉर्मल लैपटॉप से। ये भी आपका 10,000 की रेंज का आने वाला है। बाकी वारंटी कितनी मिल जाती है भैया जो अभी तक लैपटॉप दिखा रहे हैं? ये 1 month वारंटी पे है सारे। जितने लैपटॉप यहाँ पे आपको भैया की शॉप में मिलेंगे, टेस्टिंग वारंटी रहती है। ओके, बाकी कोई दिक्कत होती है वो सही होके मिल जाएगा आपको। बिल्कुल, अगर सेम लैपटॉप मेरे पास सेम मॉडल का रखा है तो उसको एक्सचेंज भी करते हैं। ओके, मतलब अगर आपके यहाँ पे एक महीने में कोई भी दिक्कत आती है और यहाँ पे अगर सेम मॉडल रखा होगा तो एक्सचेंज करके दे देंगे, वरना आपको रिपेयर करा के दे देंगे। वन शॉप सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट लैपटॉप की तरह भैया दिखा देते हैं। लैपटॉप ये Asus की मशीन आई है, ये 12.5 inch का लैपटॉप है, ये भी आपका 10,000 की रेंज का आने वाला है। इसमें आपकी हार्ड डिस्क थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, 500 GB हार्ड डिस्क है, 2 GB RAM 500 GB हार्ड डिस्क, 2 GB RAM 500 GB हार्ड डिस्क होगी इसमें। बाकी नेक्स्ट लैपटॉप ये ओपन बॉक्स में आया लैपटॉप HP का, आप देख सकते हैं कंडीशन, मतलब आप कंडीशन देखिए, एकदम ग्लॉसी फिनिश पे आया, काफ़ी बढ़िया, मतलब ब्रांड न्यू लग रहा है देखने में लैपटॉप। तो भैया क्या स्पेक्स है? थर्ड जनरेशन पे है लैपटॉप। ओके, 2 GB RAM 500 GB हार्ड डिस्क पे, 2 GB RAM 520 GB हार्ड डिस्क पे होगा। एंड आप देख सकते हैं HP का ये मॉडल है, कितना बढ़िया लैपटॉप है। आप पहले 11,000 की रेंज, 11,000 की रेंज, मतलब 1,000 पे बढ़े हैं। बट आप कंडीशन अगर मैं आपको दिखाऊंगा एक बार इस लैपटॉप की, तो ये देखिए एकदम ब्रांड न्यू कंडीशन, आप देख सकते हैं एक भी स्क्रैचेज आपको आगे पीछे नहीं मिलेंगे। तो 11,000 में अगर आपको लेना है ये भी अपने ऑफिस के काम के लिए या फिर वर्क फ्रॉम होम के लिए, तो ये भी आप एक ले सकते हैं लैपटॉप। अब चलते हैं थोड़ी ऊपर रेंज में, आपको लैपटॉप दिखाते हैं जो इससे थोड़े और अच्छे होंगे। और कौन सी सीरीज में आएंगे? अब मैं आपको i3 i5 की रेंज में दिखाता हूँ। ओके, i5 और i3 की रेंज में दिखाते हैं और बाकी दिखाते हैं। चलिए भैया कौन सी रेंज दिखाने वाले? i3 की। हाँ, इसमें i3 और मैं आपको दिखाऊंगा AMD पे जो लैपटॉप आते हैं। okay. और ज़्यादातर डिमांड रहती है होम सीरीज की इस समय। बिल्कुल, कस्टमर व्यूअर लोग जो भी मांगते हैं होम सीरीज ज़्यादा मांगते हैं, जो रिक्वायरमेंट रहती है, तो कुछ होम सीरीज के भी लैपटॉप आए हैं जो कि मैं दिखा रहा हूँ अभी आपको। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, तो ये i3 है? नहीं, ये AMD A8 प्रोसेसर पे है। ओके, AMD A8, इसमें 4 GB RAM 500 GB हार्ड डिस्क आपकी AMD A8 पे होगा, 4 GB RAM 500 GB हार्ड डिस्क और 2 GB डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड, 500 GB हार्ड डिस्क, 2 GB का डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड भी होगा, मतलब इसके साथ इसमें मिल जाएगा। ये आपका 12,000 की रेंज का है, 12,000 में होगा। इसमें आपके छोटे मोटे जो हल्के फुल्के गेम है वो सब चल जाएंगे, माइनक्राफ्ट टाइप का, क्योंकि ग्राफिक कार्ड इसमें डेडिकेटेड दे दिया है। 12,000 की रेंज में आपको मिल जाएगा। स्क्रीन साइज कितना है भैया? ये 15.6 पे है लगता, 15.6 इंच पे लैपटॉप होगा। बाकी आप देख सकते हैं ऐसा कुछ इसका है, और अगर मैं बंद करके दिखाऊं तो कुछ ऐसा दिखेगा आपको। ये HP का, पोर्ट्स की बात करें तो ये देखिए
पोर्ट्स आपको मिल जाएंगे, बाकी काफ़ी बढ़िया है, 12,000 में मिल जाएगा, बाकी फ्री है भैया। बाकी ये कॉमर्शियल मॉडल में एक लैपटॉप आया है हमारे पास, HP ProBook मशीन है। ओके। और ये आपका AMD A10 प्रोसेसर पे है। अच्छा। ये 4GB रैम, 500GB हार्ड डिस्क, 7 जनरेशन पे है लैपटॉप। ओके। और इसमें भी 2GB ग्राफिक कार्ड रेडियन का है। 2GB रेडियन ग्राफिक कार्ड मिल जाएगा, तो यानी इस पर भी डिसेंट गेमिंग हो जाएगी। हाँ, नॉर्मल सब काम हो जाएंगे। और फिंगरप्रिंट सेंसर भी इसमें बढ़िया हाईलाइट आपको मिल जाएगा। ये आपका 14,000 की रेंज का आने वाला है। बाकी फिर नेक्स्ट भैया दिखाते हैं। नेक्स्ट ये HCL का लैपटॉप आया है हमारे पास, 4i3 पे है, सेकंड जनरेशन, 4GB रैम, 320GB हार्ड डिस्क। ये आपका 13,000 की रेंज का आने वाला है। 13,000 पे मिल जाएगा आपको HPL का ये लैपटॉप। क्वालिटी आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया, साफ सुथरा पीस है। नेक्स्ट लैपटॉप ये डेल की लैटिट्यूड मशीन आई है, ये 5430। डेल 5430 लैटिट्यूड आप देख सकते हैं मॉडल नंबर लिखा हुआ है, एंड ये आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया ये भी लैपटॉप आपको मिल जाएगा। कमर्शियल मॉडल है, 4i3 में थर्ड जनरेशन, 180° डिस्प्ले मिल जाएगा आपको। उसका कंडीशन आप देख सकते हैं, ये आपको 14,000 की रेंज का आने वाला है। नेक्स्ट भैया लैपटॉप की बात करें, ये भी इम्पोर्ट का लैपटॉप आया है, डेल लैटिट्यूड मशीन है, ये कोर i5 पे है लैपटॉप। ओके, कोर i5 लैपटॉप होगा आप देख सकते हैं, डेल लैटिट्यूड, एंड ये आप देख सकते हैं काफी बढ़िया मशीन ये भी मिल जाती है। ये आपका 16,000 की रेंज का आने वाला है। इसमें कितनी रैम है और क्या स्टोरेज है? 4GB रैम, 320GB हार्ड डिस्क है। नेक्स्ट लैपटॉप पे आते हैं, ये HP की ProBook मशीन है, 4440S। ओके। ये आपका कोर i5 थर्ड जनरेशन, 4GB रैम, 500GB हार्ड डिस्क के साथ, 4GB रैम, 500GB हार्ड डिस्क, कोर i3 और कोर i5 होगा ये थर्ड जनरेशन पे। अगर इसकी क्लॉक स्पीड की बात करें तो 2.60GHz पे है, तो इसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी है। अच्छा, मतलब इसमें अगर आप चाहेंगे तो थोड़ा बहुत अच्छा अच्छा काम जितना आपका मतलब होगा गेमिंग में भी सॉफ्टवेयर सब चलते हैं, मतलब बढ़िया बढ़िया जितने सॉफ्टवेयर आप लोग को चाहिए अपने काम करने के लिए, वर्क फ्रॉम होम, जावा सब, मतलब कोडिंग वोडिंग के लिए सीख सकते हैं। कोडिंग वोडिंग सब हो जाएगा, प्रोग्रामिंग हो जाएगी, इसमें डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग का सब, मतलब काम आप लोग अगर स्टूडेंट है तो आप लोग ये बढ़िया लैपटॉप है आप ले सकते हैं। बाकी ऐसे लैपटॉप ये आपको 16,000 की रेंज का आने वाला है, 16,000 रुपये के प्राइस में काफ़ी वर्थ इट, मतलब देख सकते हैं लैपटॉप आपको ये मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट भैया कौन सा दिखा रहे हैं? अब चलते हैं आपको थोड़े i5 के थोड़े और अच्छे और i7 के थोड़े हाई एंड लैपटॉप दिखा दे रहे हैं। जो लैपटॉप टच स्क्रीन पे कुछ मॉडल्स आए हैं इंपोर्ट में वो दिखाता हूँ। तो भैया ये देख सकते हैं, अब हम लोग आपको जो दिखाने वाले हैं ये i5 लैपटॉप है, एंड इसका क्या ग्राफिक कार्ड के साथ में भैया? ये ग्राफिक कार्ड के साथ मॉडल है, जैसा कि अभी बता रहे थे हाई रेंज पे जो लैपटॉप दिखाने वाले हैं हम। ओके। डेल लैटिट्यूड E5440 मॉडल है, NVIDIA 720GT ग्राफिक कार्ड लगा है इस पे। i5 4 जनरेशन, 4GB रैम, 500GB हार्ड डिस्क, मतलब गेमिंग लैपटॉप मिल जाएगा, अच्छी खासी ठीक ठाक गेमिंग कर लेगा ये। हाँ, इस पे सब हैवी से हैवी सब काम हो जाएगा, ये फिंगरप्रिंट रीडर है इसका। ओके, फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलेगा, बाकी आप देख सकते हैं कीबोर्ड की क्वालिटी, एंड इस पे बैकलाइट कीबोर्ड नहीं है ना ये? नहीं, बैकलाइट कीबोर्ड नहीं है। हाँ, बाकी डिस्प्ले आप देख सकते हैं 180, इसमें भी आपको डिस्प्ले मिल जाएगा और काफी बढ़िया क्वालिटी का। रेट बता दिए भैया बस हमारे व्यूअर्स के लिए इसका। ये 21,000 रुपए का लैपटॉप, 21,000 रुपए में आपको ये बढ़िया देखिए लैपटॉप मिल जाएगा। जैसा कि आपको लैपटॉप लाइटबुक में दिखाया था, उसी में कमर्शियल मॉडल आया ProBook। ओके। 8440Z3। ओके। ये मॉडल आपका आने वाला है 27,000 का, 27,000 का होगा। i5 होगा कितने जनरेशन पे? ये 6 जनरेशन पे, i5 6 जनरेशन पे होगा। क्या स्टोरेज रैम है इसकी? इसमें भी 8GB रैम, आपके 500GB हार्ड डिस्क। ओके। इसमें 256GB SSD हार्ड डिस्क, इसमें 500GB नॉर्मल हार्ड डिस्क है, 500GB नॉर्मल हार्ड डिस्क होगी, 8GB रैम होगी, मतलब रैम अगर अच्छी है तो प्रोसेसिंग बढ़िया हो जाएगी, इसमें वीडियो एडिटिंग छोटे मोटे काम हो जाएंगे बढ़िया से। बाकी कितने का पड़ेगा? 27,000 रुपये का, ये 27,000। लैपटॉप पे आते हैं, HP की पवेलियन सीरीज है, 15.6 का लैपटॉप है। हाँ, 15.6 पे आपको देख सकते हैं ये लैपटॉप मिल जाएगा और काफ़ी बढ़िया डिस्प्ले है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इसमें 4GB रैम, 120GB SSD हार्ड डिस्क, 1TB हार्ड डिस्क और रेडियन ग्राफिक कार्ड 2GB, ये फुल पैक्ड लैपटॉप है। 1TB का आपको हार्ड डिस्क मिलेगा, 120GB की SSD लगेगी और रैम कितनी है? रैम इसमें 4GB है, 4GB रैम है, ग्राफिक कार्ड डुअल ग्राफिक कार्ड है, इंटेल भी है और रेडियन भी है ग्राफिक कार्ड, मतलब भैया ये फुल पैक गेमिंग लैपटॉप है। इसमें गेमिंग की बात है, GTA 5 लग रहा है, झेल लेगा इसको। नेक्स्ट लैपटॉप लिनोवो पे आते हैं, i5 पर 7 जनरेशन है इसके। अच्छा, एक बार प्राइस तो बता दीजिए भैया। ये 29,000 का है, 29,000 रुपये का आपको ये मिल जाएगा। स्क्रीन साइज में लग रहा कितने इंच है? 15.6 है। चलिए अब याला दिखा देते हैं भैया जिसके बारे में बात कर रहे हैं। लिनोवो पे आते हैं, ओके, i5 7 जनरेशन, लिनोवो आइडियापैड 320 मॉडल है ये, 4GB रैम, 1TB हार्ड डिस्क, 256GB SSD हार्ड डिस्क। ओके, 256GB SSD हार्ड डिस्क होगी, 1TB की नॉर्मल हार्ड डिस्क, नॉर्मल हार्ड डिस्क, और इसमें NVIDIA GeForce ग्राफिक कार्ड लगा, उसमें रेडियन ग्राफिक कार्ड लगा, तो इसमें NVIDIA GeForce ग्राफिक कार्ड थोड़ा ज़्यादा अच्छा है, और इसमें 7 जनरेशन i5 7 जनरेशन, मतलब काफ़ी बढ़िया। आप इसमें परफॉर्मेंस की बात करें आपको मिल जाएगा। ये आपका आने वाला 33,000 का,
33,000 यानी 33,000 रुपीज़ में आपको लेनोवो का मिल जाएगा, काफ़ी साफ़ सुथरा कंडीशन है और इसके साथ डब्बा और वो सब भी मिल जाएगा। नेक्स्ट लैपटॉप की बात करते हैं, डेल में मशीन आई है, इंक्लूड वाला लैपटॉप है बाहर का, i5 6th जनरेशन, 8GB रैम, 500GB हार्ड डिस्क, ये फुल HD स्क्रीन के साथ मिलेगा आपको। ओके, फुल HD डिस्प्ले होगा, आप खुद ही देख सकते हैं, बस पन्नी चढ़ी है इससे थोड़ी क्वालिटी कम ले रही है, बाकी वरना बहुत बढ़िया डिस्प्ले है इसका। हाँ, क्या इसका रेट है भैया? ये आपका 31,000 का आने वाला है। 31,000 रुपए का आपको ये डेल का लैपटॉप मिल जाएगा, काफ़ी बढ़िया आप देख सकते हैं लैपटॉप होगा, साफ सुथरा कंडीशन में भी होगा, फुल HD डिस्प्ले के साथ भैया। ओके, बाकी अब हमारे रिपोर्ट में दो लैपटॉप और आए हैं डिटेचल में, थोड़े प्रीमियम लैपटॉप हैं भैया, आपको दिखा दे रहे हैं, ये टच वाले मेरे ख्याल से भैया, ये टच स्क्रीन पे डिटैचेबल लैपटॉप। ओके, मतलब दोनों डिटैचेबल हैं। हाँ, लैटिट्यूड 73-50। एक बार भैया निकाल के दिखा दिए हमारे लेफ्ट व्यूअर्स को कि कैसे, मतलब एज अ टैब भी यूज़ कर सकते हैं आप। ओके, इसमें 8GB रैम, 512GB SSD हार्ड डिस्क है, देख सकते हैं, अगर आपको टैब की तरह यूज़ करना है इसमें बढ़िया टैब की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, टच डिस्प्ले, अच्छा रिस्पांस होता है डिस्प्ले का, बहुत बढ़िया रिस्पांस इसका। ओके, आप देख सकते हैं HDMI पोर्ट यहाँ से कनेक्ट हो जाता है, और क्या कितने का मिल जाएगा भैया? ये आपका आने वाला 30,000 का, 30,000 रुपये में आपको मिल जाएगा डिटैचेबल लैपटॉप डेल की तरफ से आने वाला, और टच स्क्रीन होगा, फुल HD डिस्प्ले होगा, मतलब काफ़ी बढ़िया आपको डील मिल जाएगी। प्रोसेसर क्या होगा भैया इसमें? ये कोर M5 प्रोसेसर पे है। ओके, काफ़ी बढ़िया आपको लैपटॉप, ये एसर का हमारे पास आया है, ये भी डिटैचेबल लैपटॉप है, टच स्क्रीन पे, अच्छा फुल HD स्क्रीन है, ये भी डिटैच कर सकते हैं आप, ये देखिए ये डिस्प्ले निकल जाता है इसका, और ये भी टैब की तरह आप यूज़ कर सकते हैं, बाकी इसमें पोर्ट्स होते हैं आप साफ भी कर सकते हैं। और डिटैचेबल लैपटॉप की बढ़िया बात ये होती है कि अगर आपको इस पर मीडिया कंजप्शन यानी यूट्यूब चलाना है तो बढ़िया से चल जाता है, टच स्क्रीन है, एंड लैपटॉप देख सकते हैं स्पेक्स क्या है इसके? i3 4th जनरेशन पे 4GB रैम, 128GB स्टोरेज, SSD हार्ड डिस्क, SSD हार्ड डिस्क पे मिलेगा, तो यानी इसकी बूट स्पीड अच्छी होगी, 20 सेकंड के अंदर ये बूट हो जाते हैं लैपटॉप जो SSD में होते हैं। कितने का पड़ेगा भैया? ये 21,000 का, 21,000 रुपये में डिटैचेबल लैपटॉप मिल जाएगा भाई, मतलब डील देख सकते हैं आप कितनी बढ़िया डील है, 21,000 रुपये में अगर आपको डिटैचेबल लैपटॉप कहीं और मिले तो बताइएगा, हम लोग ने पिछली वीडियोज़ में भी आपको डिटैचेबल लैपटॉप दिखाए थे और वो मतलब 35-40,000 तक के पहुंच गए थे, पर आपको 21,000 रुपये के रेंज में आपको डिटैचेबल लैपटॉप मिल रहा है तो काफ़ी बढ़िया बात है, एसर की तरफ से आएगा, टच स्क्रीन डिस्प्ले में आएगा, प्राइसिंग काफ़ी बढ़िया रखी है आप, 21,000 का आपको दिखाया मैंने आपको ये लैपटॉप डील वाला, काफ़ी बढ़िया बढ़िया प्राइसिंग में लैपटॉप आपको मिल जाएंगे। बाकी अगर आपको यहाँ से शॉपिंग करनी है तो शॉप का एड्रेस एक बार भैया हमारे भैया उसको बता दिए। ये कंप्यूटर लाल बाग में शॉप है हमारी लखनऊ में, हजरतगंज, नाजा मार्केट। बाकी शॉप का एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो कि आप आ सकते हैं शॉप पे, मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप प्लीज़ शॉप पे आके यहाँ से लें, नंबर नहीं अभी दे सकता आपको क्योंकि नंबर, क्योंकि भाई काफ़ी सारी कॉल्स आ जाती हैं और कॉल्स को अटेंड करने के लिए टाइम नहीं मिल पाता, आप यहाँ पे शॉप पे आइए, आपको यहाँ लैपटॉप दिखाया जाएगा, आप पसंद करिए, पेमेंट करिए, पेमेंट चाहे ऑनलाइन या फिर आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं, अगर आप वीडियो देख के बुक करना चाहते हैं तो आप आइए जल्द से जल्द वीडियो से देख के बुकिंग करिए और अपना लैपटॉप ले जाइए, बाकी कैश एंड ऑनलाइन दोनों पेमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। सो कैसी लगी आपको आज की अली वीडियो, अगर आपको पसंद आए वीडियो को तो लाइक करना ना भूलिए, सब्सक्राइब करिए बर्बन मैन चैनल को, एंड शॉपिंग करनी पीसी डीवीडी से तो शॉप का एड्रेस एंड जहाँ पे भी शॉप है आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, भैया आपको मिलेंगे, इनसे बात करिए और यहाँ पे आपको बेस्ट प्राइस हमारे चैनल की तरफ से प्रोवाइड करे जाएंगे जो आपको दिखाए जा रहे हैं, बाहर वालों के अलग प्राइस है पर हमारे लिए जो वीडियो में प्राइस दिखाएंगे इस प्राइस में आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली एक नई कमाल वीडियो में, और जल्द मिलने वीडियो में बनेंगे भैया, फिर से एक और नई वीडियो मिलेंगे, तो चलते हैं, बाय।